अमेजोन वैलेट का पैसा आप सीधे बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं अपने अमेजोन एप्लीकेशन के ही मदद से। पहले जब भी आप बैलेंस ट्रांसफर करते थे आपको बहुत सारा एप्लीकेशन का मदद लेना होता था या तो फिर वहां पे काफी ज्यादा चार्ज आप लोगों को लग जाता था, बट आप अमेजोन की ओर से एक नई फीचर यहाँ पे चालू कर दिया गया है जिसमें आपका जो भी वैलेट का पैसा होगा उसको सीधे बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ये जो सर्विस है किन किन लोगों को अभी मिला है और ये सर्विस लेने के लिए क्या क्राइटेरिया और क्या टर्म एंड कंडीशन अमेजोन पे की ओर से बताया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त मुरारी गोस्वामी और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाले नोटिफिकेशन को भी अलाउ करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो अपडेट निकल कर सामने आ रहा है वो अपडेट मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर दिखाना चाहूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे आगे का प्रोसेस भी आप लोगों को बताऊंगा। तो आपको मेरा मोबाइल स्क्रीन यहाँ पे दिखाई दे रहा है जहाँ पे मैं यहाँ पे जो अपडेट है उसको मैं एक बार पढ़ के बता रहा हूँ। अमेजोन पे बैलेंस टू बैंक ट्रांसफर By UPI now available more user here it the work, ठीक है, यानी कि आप अपना Amazon का जो पे बैलेंस होता है उसको सीधे बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए क्या प्रोसेस है, तो इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन है। इस पैसे को कैसे आप ट्रांसफर कर सकते हैं, यहाँ पे अगर आपका जो अकाउंट है वो KYC है, ठीक है, तो फिर आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आपका मिनिमम KYC है तो ये ऑप्शन आपके पास दिखाई नहीं देगा, बट यहाँ पे Amazon की ओर से बताया गया है कि मिनिमम जो KYC है, ठीक है, उसमें भी ये फ्यूचर आएगा, बट आगे आपको यहाँ पे थोड़ा इंतजार करना होगा। यहाँ पे एक बेस्ट ट्रायल के लिए इस सर्विस को लॉन्च किया गया है यहाँ पे QR कोड के मदद से, ठीक है, QR कोड के मदद से आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। जैसे जब भी आप स्कैन एंड QR कोड में जाते हैं और वहाँ पे पेमेंट करते हैं तो आपका जो UPI लिंक जो बैंक अकाउंट होता है वो पहले आपका शो होता था, बट अब ऐसा नहीं है, आपको वहाँ पे अमेजोन पे बैलेंस भी वहाँ सामने दिखाई देगा और डायरेक्टली उस पैसे को वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे और एक चीज इन्होंने मेंशन कर दिया है, इन्होंने बताया है कि आप अमेजोन पे बैलेंस में जो बैलेंस आप क्रेडिट कार्ड या तो फिर अपने बैंक अकाउंट के थ्रू ऐड करेंगे सिर्फ उसी बैलेंस को आप जो है स्कैन एंड QR कोड के मदद से डायरेक्टली बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो कैशबैक आपको मिलता है, जो आपका गिफ्ट कार्ड का जो बैलेंस होता है उसको अगर आप ऐड किए रहते हैं तो उस पैसा को डायरेक्टली आप बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो ये था कुछ टर्म एंड कंडीशन। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जिन लोगों के पास ये ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, ठीक है, उनका भी शो होगा, बट यहाँ पे जो 18 तारीख को अभी लॉन्च ही हुआ है इसके लिए कंपनी ये देखना चाहता जी कितना ज्यादा ये जो सर्विस है लोग इस्तेमाल करते हैं और क्या क्या बेनिफिट लोगों को इसमें मिलता है। तो उसके बाद जैसे ही आप अपना KYC को अपग्रेड कर लेंगे, अगर आपका मिनिमम KYC है तो उसको फुल KYC करने का ऑप्शन आप लोगों के सामने आ जाएगा और जो फुल KYC होगा वो आप अपना वीडियो कॉल के माध्यम से ही कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे सीधे अमेजोन एप्लीकेशन पे और अमेजोन एप्लीकेशन को ओपन करके हम यहाँ पे देखते हैं जो इसमें जो अपडेट है वो किस प्रकार का आया हुआ है। तो मैं फिलहाल यहाँ पे देख सकते हो अमेजोन एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन कर लिया हूँ। यहाँ पे देख सकते हो अमेजोन पे के ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं स्कैन एंड QR कोड, ठीक है, स्कैन एंड QR कोड का यहाँ पे जो ऑप्शन है इसी ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आपका जो वैलेट का पैसा है उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको QR कोड यहाँ पे स्कैन कर लेना है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जैसे ही सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे देख सकते हो मेरा मिनिमम KYC है इसके लिए मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे नीचे और एक ऑप्शन आप लोगों के सामने आ जाएगा जहां लिखा रहेगा Amazon वैलेट बैलेंस, ठीक है, यानी कि पे बैलेंस। तो ये आपका जैसे ही होगा इसको आप पेमेंट आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए ये था अपडेट। अब बैलेंस यहाँ और एक बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है कि अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड का भी पैसा अगर आप ऐड करते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। सिंपल सा आपको ऐड के ऊपर क्लिक करना है और ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अमाउंट सेलेक्ट कर देना है। अमाउंट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए चेंज मेथड, जो पेमेंट मेथड है उसको चेंज करना है। उसके बाद यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का पैसा भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और उस पैसे को भी सीधा आप बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड ये जो अपडेट है काफी ज्यादा आप लोगों को पसंद आया हो और आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा क्या एप्लीकेशन में आपका ये अपडेट अभी शो हो रहा है और अगर आपका नहीं हो रहा है तो आपको थोड़ा इंतजार करना है और उसके बाद ये अपडेट सभी के लिए चालू हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक शेयर और कॉमेंट कीजिए और इस वीडियो रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपके मन में है तो आप हमें कॉमेंट कर जरूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं किसी अगले वीडियो।